डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ये रिलेशन प्रूव करेंगे कि 10 इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस 10 इनवर्स 7 अपॉन 24 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 बाय 2। इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी कुछ इस तरह की है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी हम यहां पर लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। हमने कंसीडर किया लेफ्ट हैंड साइड जो कि था 10 इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस 10 इनवर्स 7 अपॉन 24। अब देखिए यहां पे x की जगह में 2 बाई 11 रिज्यूम कर लेता हूं और y की जगह में लेता हूं 7 अपॉन 24। और ये मान के मैं ये आइडेंटिटी यहां पे लगाता हूं तो मुझे मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बनेगा 10 इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस 7 अपॉन 24 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 अपॉन 11 इंटू 7 अपॉन 24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, 11 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 7 से, 11 और 24 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक इसी तरह से यहां नीचे भी सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो क्या बनेगा, 10 इनवर्स 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 वो होता है 48 प्लस 77 होल डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाई 24 ये होता है 264। उसके बाद ये मेन डिवीजन लाइन यहां पे आएगा 1 माइनस 7 टू जा 14 और 11 इंटू 24 कितना होता है 264। ठीक, चलिए 48 प्लस 77 क्या होता है 125। आगे चलते हैं, ये बन जाएगा 10 इनवर्स 125 डिवाइडेड बाय 264 और नीचे वाला ये जो है डिनोमिनेटर ये बनेगा 264 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 264। और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 10 इनवर्स 125 अपॉन 264 होल डिवाइडेड बाय 250 अपॉन 264। अब ये देखिए ये एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही खुद ही फ्रैक्शंस है, तो ऐसे में कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए। बाहर तो ऑपरेटर 10 इनवर्स एज इट इज रहेगा, इसमें क्या होता है न्यूमरेटर जो है जो न्यूमरेटर वाली फ्रैक्शन है वो एज इट इज रहती है 125 अपॉन 264 एज इट इज रहेगा और जो डिनोमिनेटर में है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 264 अपॉन 250 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने न्यूमरेटर से। इस केस में क्या हुआ 264 कैंसिल 125 वन सा 125 टू सा, तो आपको फाइनली क्या मिला, आपको फाइनली यहां मिला 10 इनवर्स 1 बाय 2 और यही है राइट हैंड साइड। आप देखिए राइट हैंड साइड यही आपको प्रूव करना था।